मंच पर उपस्थित हमारे अनेक कार्यकर्ता और नेतागण मेरे सामने मेरे बगल में बैठे हुए हैं, सब कार्यकर्ता नेतागण महानुभाव और मेरे रायसिंह नगर के परिवार के सब बंधुगण, आप लोग सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आपके इसी मंच पे कितने दिन पहले की बात है? पांच माह जून के महीने में सत्रह जून की बात। हाँ, 5 महीने। मैं अप्रैल के महीने से घूम रही हूं पूरे राजस्थान के अंदर, और 4-5 महीने पहले इसी मंच पे यही आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोगों की बात भी हुई थी, चर्चा हुई थी। इस चर्चा के अंदर अपन लोगों ने वो बात रखी थी जो इतने 4.5 साल से जो पीड़ा आप लोग देख रहे हो, जिससे गुजर रहे हो, वो आपने मेरे सामने रखी थी। और मैंने आप लोगों को तब कहा था कि राजस्थान के एक एक कोने से यही आवाज आ रही है जो आप आज मेरे सामने आवाज रख रहे हो। इसलिए आज विकास की बात तो अपन लोग मिलके तब कही थी। आपने मेरे को उस समय ये कहा था कि ना हमको पानी सही समय पर मिलता है, आप लोगों ने मेरे को ये भी कहा था कि आप लोगों के नहरों के टेल तक पानी पहुंचने की बहुत जोरदार समस्या है। अपने समय में आप लोग जानते हो कि जब अपनी सरकार थी उस समय पे अपन ने बोगों को ठीक किया, आप लोगों ने यह कोशिश की कि आप लोगों को सही समय पे पानी मिले और टेल तक पानी पहुंचाने का काम पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। अब तो हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि किसी का मन आए तो आपको पानी पहुंच गया, लगातार कैसे पहुंचेगा उसकी व्यवस्था करने का काम हर सरकार को करना चाहिए, और आने वाली सरकार भी ये काम के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखेगी, क्योंकि यहां अगर पानी नहीं टेल पे पहुंचता तो किसान वहीं खत्म हो जाता है, और किसान को अगर मजबूत करना है तो पानी और बिजली का इंतजाम जब तक नहीं होता तब तक वो किसान वैसे ही खड़ा रहेगा। और मैं सबको कहना चाहती हूं कि मैंने पता किया तो बिजली की अभी भी वही अवस्था है, वैसे ही कटौती, वैसे ही आपके अघोषित कटौती, वैसे ही आपके ट्रिपिंग, और महिलाओं के बीच में जो मैंने सिंगल फेज की बिजली दी थी उसकी हालत भी खराब हो गई। मैं सबको तब भी कह के गई थी, अब फिर दोहरा रही हूं कि आप लोगों के 24 घंटे घरेलू बिजली देने का काम मेरा होगा, आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, आपको घर बैठे बिजली मिलेगी। पहले भी करते करते रह गए थे, अब आने वाले समय के अंदर हम लोग करके ही छोड़ेंगे। इसी तरीके से मैंने कह दिया, सब बच्चों को बता दिया था कि ये टैट मालूम नहीं क्या चीज है जिसको जिसके अंदर सब बच्चों को फंसाने का काम इस सरकार ने किया है, और साथ में जो इसमें से निकल गए वो कोर्ट के चक्कर लगा लगा के वहां रह गए। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले हम लोगों ने RPSC के द्वारा बच्चों को नौकरी देने का काम किया था, वैसे टेट का प्रबंधन करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम और RPSC के द्वारा नौकरी देने का काम हम लोग आने वाली सरकार आराम से करेगी, ये विश्वास करके चलना। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएं आप लोगों की है, और ये तो सड़कों की क्या हालत है भाई, क्या सड़कें हैं। मैं अभी एक सड़क पे मालूम नहीं ये लोगों ने चला के लेके आए कि क्या है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि यही मेन सड़क है कि मिट्टा जी आप लोग, ये मेन सड़क है, मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे को चला के ऐसे सड़क के ऊपर ताकि मेरे ध्यान में याद रहेगा कि हाँ ये है सड़क और इसके बारे में मुझे कुछ करना है, इसलिए लाए आप, इसलिए लाए बस। बताओ ऐसी भी सड़कें, और ये आपकी एक सड़कें नहीं है, ये तो पूरे राजस्थान की स्थिति है। और मैंने सब लोगों को ये कह दिया है कि सड़कों का काम अगर गुजरात के अंदर हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है, तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता। अगर अटल जी ने अपनी चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के अंदर पूरे देश को जोड़ के रख दिया, अगर हमने हमारे मेगा हाईवेज के द्वारा आप लोगों को जोड़ने का काम किया, और आपने अपने आंखों से देखा कि कितने अच्छे रास्ते हैं, और आज दिन तक भी आपको वो देखने को मिल रहा है, तो आने वाली सरकार भी आप लोगों को सड़कों का काम करा के देगी, आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बार बार मुझे कहने की जरूरत भी आप लोगों को कहना नहीं चाहिए। अभी क्या क्या हुआ है मैं तो ये देख रही हूं कि आप लोगों की जो सबसे ज्यादा समस्या है, जब कांग्रेस आती है भाइयों उसी समय महंगाई भी आती है। भाइयों प्लीज आप लोग फोटोग्राफर्स इस तरफ हो जाओ प्लीज, मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यही होती है।
जब भी कांग्रेस आती है उस समय आपने देखा हुआ महंगाई उनका पीछे पीछे चली आती है। आज माताएं बहने ये किसानों की हालत में बताना चाहूंगी ना बिजली बिजली के दाम इन्होंने कह दिया कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे बिजली के दाम बढ़े बिजली के दाम पानी के दाम जिस तरीके से पानी के दाम तो क्या पानी आता ही नहीं है और इसी तरीके से आज न प्याज मिले न टमाटर मिले न पेट्रोल के दाम न डीजल के दाम न आप कुछ नहीं वो तो नमक को भी नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। अब बताओ भाई कहां तक जाएगी इस महंगाई को लेकर। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ आज पीले चावल देने आई हूं पीले चावल मेरे हाथ से ले लो और आप लोग ये याद रख रहा है ये पीले चावल लाई हूं मैं एक तारीख के लिए उस एक तारीख को आप लोगों को बटन दबाना है और कमल के फूल पर उसमें बटन दबा के और जोरदार तरीके से जुटा के बलवीर को लाना है। मेरे सामने पार्टी वो कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस ए फिर आपके बगल की पार्टी जो कांग्रेस ने चलाई है बहुत सारी पार्टियां चलाई हैं आजकल आप लोग सब जानते हो कांग्रेस बी उसके बाद और भी कांग्रेस चलाई है उसकी तरफ की कांग्रेस सी और हमारे यहाँ चारों ओर जो कांग्रेस वालों से घेर रखने की कोशिश की है कांग्रेस डी और ई और उसके साथ साथ मैं सब लोगों को यह कह दिया कि इनके टिकट जो है उनके वितरण हो रहे हैं मुख्यमंत्री के निवास से ये सब टिकट इनके बेच बांधते को सबको देके इन लोगों ने किया है और उसको भी नहीं छोड़ा। उसके बाद जो उनको लगा बागी है बागियों को पैसा पहुंचा के उनको खड़ा करने का काम कि किसी भी तरीके से खड़ा हो जाए तो कांग्रेस का इसका पूरा फायदा मिल जाए कांग्रेस वाले समझते नहीं है कि वो जनता के सामने खड़े हैं यही तो मुसीबत है उनकी। जब मेरे से किसी ने पूछा कि इनके पास इतना पैसा है आप क्या करोगे हमने कहा हमें पैसे की जरूरत नहीं है हमारे पास वो चीज है जो किसी और के पास नहीं है वो है ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का प्यार और जाए जिसके साथ जनता है उस जनता के जिसके साथ जनता है उसके सामने कोई रूढ़ा नहीं अटका सकता और यही विश्वास करके चलती हूं कि है ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है पर आपका अमूल्य प्यार और आपने जो तय कर लिया है कि वो सरकार जिस सरकार ने इस राजस्थान को खोखला करके 53 साल के अंदर रख दिया है ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का फिर एक मौका हम देंगे नहीं ये विश्वास करके आप लोगों ने हमें जताया। अरे भाइयों 53 साल निकल गए हमारे 5 साल और वीर सिंह जी के 7 साल अगर आप निकाल दो तो 53 साल निकल गए। आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या करके रखा है शिवराज चौहान ने क्या करके रखा है आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या करके रखा है अगर 5-5, 10-10, 15-15 साल के अंदर ये कर सकते थे तो 53 साल में चमन बन जाना चाहिए था राजस्थान और आज गड्ढे में हम पड़े हैं। हम तैयार नहीं हैं कि एक मिनट भी ज्यादा ऐसी सरकार हमारे सिर पे बैठे जो सरकार हमारा नहीं अपना ही काम करती है। आज अपने जेब तो भर लिए अपने परिवारों को खड़ा कर दिया और जनता की क्या स्थिति है जहां जहां मैं जाती हूं वहां रोते हुए लोग मेरे को मिलते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं इस कांग्रेस ए बी सी डी और ई को दौड़ाने का काम ये आप और हम मिलकर करेंगे। आप हमें विश्वास दिलाओ आपके आगे दौड़ने को भागने को हम सब तैयार हैं। राजस्थान को नया बनाने के लिए तैयार है एक नया राजस्थान जिस नए राजस्थान के अंदर हमारे युवा मजबूत बन के खड़े हो जाएं रोजगार उनको मिले पढ़े लिखे बड़े हो ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिलाओं की सुरक्षा नंबर एक पर हो ऐसा राजस्थान जहां हमारी बच्चियों जब स्कूल जाती है और कॉलेज जाती है किसी को डरने की जरूरत ना हो एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे मूक बधिर भी सुरक्षित रहे। अरे बत भाइयों कितनी शर्म की बात है कि जो लोग सुन नहीं सकते जो लोग बोल नहीं सकते उनके साथ भी अत्याचार करने में ये लोगों ने नहीं छोड़ा। कैबिनेट के 5-5 मंत्री महिला अत्याचार के ऊपर हटाए गए क्या है राजस्थान को कलंकित करने का काम अगर किया है किसी ने तो इस सरकार ने किया है। हमारे किसान इस नए राजस्थान के अंदर अपने पैरों पे खड़े होंगे उनको टाइम पे सही टाइम पे सही पानी मिलेगा और उनको बिजली का इंतजाम खाद का बीज का इंतजाम ताकि आज जितना वो पैदा कर रहे हैं उसको दुगना तिगना पैदा कर पाए तो उनको भी फायदा होगा और राजस्थान प्रदेश को भी फायदा होगा क्योंकि आप पैसा बनाते हो तो ये पैसा राजस्थान में फैलता है और राजस्थान में फैलता है तो राजस्थान की खुशहाली होती है और राजस्थान की खुशहाली होती है उसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि एक नया राजस्थान ऐसा होगा
जिसको हम आगे की पंक्ति में खड़ा करने का काम करेंगे। अरे गुजरात भी है तो केरल भी है तो तमिलनाडु भी है तो गुजरात भी है, आपके मध्य प्रदेश भी है, पर हम भी हैं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हमारा राजस्थान जो हमेशा आगे रहा करता था, वो राजस्थान फिर से अपना नंबर लेगा, आगे रहेगा, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, सबको खड़े होने के एक टुकड़ा देगा, ये विश्वास करके मैं यहां से जा रही हूं। मैं आपको ये इतना ही कहने आई हूं, ये हमारी एक सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के